कितने पैसे हो गए? 20 रुपये हो गए बेटा। ये लीजिए। नहीं नहीं अंकल जी, आप रख लो। नहीं बेटा नहीं, अपने पैसे रख लीजिए बेटा। अरे अंकल जी रख लीजिए, इतनी मेहनत कर रहे हो आप। धन्यवाद बेटा। ठीक है आओ। 20 रुपये बनते थे, 100 रुपये दिए तुमने, पैसे के पेड़ पे लग रहे हैं। किराया दिया तुमने घर का, लेकिन नहीं, दान पुण्य नहीं छूटना चाहिए, महात्मा जो बनना है। वो पता है मैंने अंकल जी को ज्यादा पैसे क्यों दिए? हाँ सुनाओ कहानी सुनाओ। तो जब हम सब्जी खरीद रहे थे ना, तब मैंने अंकल जी को देखा और उन्होंने पता क्या किया? तो ये कि उनके पास खुद के लिए पैसे नहीं थे, पर फिर भी उन्होंने किसी की मदद की, और हमारे पास तो फिर भी थोड़े बहुत हैं, तो उससे तो कर ही सकते हैं ना। और पता है उनका विश्वास अच्छाई में इससे कितना बढ़ जाएगा। अभी वो जाकर 4 लोगों को क्या बोलेंगे? आज पता है क्या हुआ? आज एक मांगने वाले को मैंने 10 रुपये दिए और आज ही एक सवारी ने मुझे 100 रुपये दे दिए। तो किसी ने सही कहा है कि किसी की 1 रुपये की मदद करो ना, तो आपके वहां लौट के 10 रुपये आते हैं। तो तुम भी 4 लोगों को बोल देना, वही तुम्हारे घर का किराया भर देंगे। क्या हुआ? ये देखना। यहाँ पर किसने रख दिया यार? क्या हो गया भाई, इतना परेशान क्यों है? क्या बताऊं, जब से जॉब गई है तब से बड़ी दिक्कत हो गई है। नई जॉब मिल नहीं रही है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। घर का किराया देने के पैसे नहीं है। पैसे से तो मेरा किराया हो जाएगा। देखा, ये बात साबित हो गई, अगर आप किसी की मदद करोगे तो कोई आपकी मदद जरूर करेगा। जब तक हम एक दूसरे की मदद करते रहेंगे, तब तक कोई भी नहीं गिरेगा, फिर चाहे वो व्यापार हो, परिवार हो या फिर समाज।